व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बजट प्रॉपर्टी, वो भी ऐसे लोकेशन पे, ऐसी बजट के अंदर, वो भी इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट पे। 350 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, 50 एकड़ का सिर्फ गार्डन आपको देखने को मिलता है, एमिनिटीज नॉन स्टॉप है। बताते बताते मैं थक जाऊंगा क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है। स्टेशन से 10 मिनट का डिस्टेंस है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको फ्री बस सर्विस देखने को मिलती है। 24 महले की बिल्डिंग है, 24 घंटा वाटर सप्लाई, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर एक चीज। सैंपल फ्लैट में आपको दिखाऊंगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा शायद। सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ इन डिटेल। जिस प्राइस पे लोधा प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, शायद ही मैंने कभी सोचा भी होगा कि लोधा के अंदर इस बजट के अंदर प्रॉपर्टी मैं अपनी बजट चैनल के लिए लेकर आ पाऊंगा। सारी डिटेल्स मेरे साथ वीडियो के अंदर आगे। सबसे पहले मैं आपको लोधा के एंट्रेंस पे लेके चलता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देखोगे मेन हाईवे है, हाईवे टच ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, देख लो पूरा गार्डन व्यू। राइट साइड में देखोगे आपको मेट्रो का प्रोजेक्ट अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। अंदर आओगे मेन रोड से सीधा ये कनेक्टिविटी देता है आपको फेज टू के अंदर। यहां तक आने के लिए बस सर्विसेज, रिक्शा, शेयरिंग, सब कुछ आपको ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। अंदर आने के बाद सीधा सेल्स ऑफिस में मैं आपको लेके चलता हूं। अंदर जाते ही आपको मैं दिखाऊंगा सबसे पहले इंटरनेशनल सिटी, इंडियन हार्ट। अंदर आप देखोगे 3D मॉडल से आपको सब कुछ बनाकर दिया गया। ऐसी जगह लेके चलता हूं आपको, एक्सपीरियंस सेंटर। 3D मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर से दिखता है। 9D का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। आप आओगे साइट पर, ऐसे VR आपको लगा कर दिए जाएंगे और जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पर, 100% ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाएगी। सैम्पल फ्लैट में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये आप डिज़ाइन चेकआउट करो इस प्रॉपर्टी का। इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ इस प्रॉपर्टी के अंदर बड़ी आसानी से आ जाए। यहाँ पर सामने आप देख लो पॉकेट टेरेस आपको देखने को मिलता है। इतना स्पेस यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना के दिया है। लेफ्ट साइड में मैं आपको लेके चलूंगा तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको आपका किचन का स्पेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट साइज है। दोनों साइड आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। बाहर आपको गैलरी देखने को मिलेगी जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह बड़ी आसानी से रख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आता है आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया। बीच में आप देख लो जो पार्टीशन आपको करके दिया गया है वहां पर भी। राइट साइड में किड्स प्ले एरिया, जिसको आप किड्स बेडरूम समझ सकते हो, क्योंकि ये बेडरूम थोड़ा छोटा साइज में है तो इसको आप किड्स की तरह यूज कर सकते हो, मतलब किड्स के रूम के लिए। सामने आपको मास्टर बेडरूम, राइट साइड में दूसरा बेडरूम दिखता है। बेडरूम का स्पेस यहाँ पर आप चेकआउट करो, कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया। और ये वार्डरोब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बना के दिया गया है ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको राइट साइड में दिखाया। इसके बाद मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर, जिसके अंदर पैसेज ही इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है। अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है, तो आप देख लो यहाँ पर भी पार्टीशन आपको 5-स्टार होटल की तरह देखने को मिलता है। सामने अपना बेडरूम का साइज कितना बड़ा है आप देख लो। यहाँ पर भी वार्डरोब के लिए अंदर तक एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। सामने आप देख लोगे इतना बड़ा मैसिव साइज का टेरेस आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का अपना 3BHK अपार्टमेंट है। इसके बाद मैं आपको गाड़ी से लेके चलता हूँ दूसरी जगह, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा साइट का कंस्ट्रक्शन, लोधा का कंस्ट्रक्शन। ये सैंपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। आप तो जानते ही हैं लोधा का कंस्ट्रक्शन स्पीड मैसिव रहता है। फाइनली सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल दिखा दी। अब कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट 350 एकड़ में बना है, सिर्फ 50 एकड़ का। तो इसके अंदर गार्डन है और इतनी सारी चीजें, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है, मैंने सब लिख के लाया ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है लैंड पे, सिर्फ 40% की जगह पर कंस्ट्रक्शन है, बाकी का 60% खुला है। आओ एंजॉय करो। एमेनिटीज की बात करता हूँ, एमेनिटीज में क्या ही गिनाऊ। बिल्डिंग के अंदर आपको स्कूल देखने को मिल रहा है, मानपाड़ा का मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, स्विमिंग पूल, मंदिर, हर एक चीज। 50 से ज्यादा एमेनिटीज है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा लेकिन एमेनिटीज खत्म नहीं होंगी। प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में जुपिटर हॉस्पिटल आ रहा है, जो कि 520 बेड से ज्यादा होने वाला है। कनेक्टिविटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन हाईवे 600 मीटर के डिस्टेंस पे हाईवे टच प्रोजेक्ट है, वो तो मैंने आपको बताया ही। पनवेल आप 40 मिनट में जा सकते हो।
एरोली कटाई जो है जहां पर जाने को 1 घंटे का टाइम लगता है, इसी साल में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट में आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आपको जाने में 1 घंटा टाइम लगता था। 10 मिनट के डिस्टेंस पर डोंबिवली स्टेशन है, तो आप समझ जाओ कनेक्टिविटी के मामले में टॉप क्लास प्रोजेक्ट है। एक चीज और आप सोच रहे होगे कि भाई गार्डन तो कर रहा है लेकिन ये जंगल में कहाँ शूट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो गार्डन है जंगल नहीं है, ये गार्डन है और इसी सोसाइटी के अंदर है। नीचे आप देख लो, वॉक करने के लिए बकायदा सारी चीजें लगाई गई हैं। इस सोसाइटी के अंदर आपको जितना नेचर के नजदीक रहने मिलेगा शायद ही कहीं रहने मिले। सोसाइटी के अंदर ही आपको शटल बस सर्विसेज मिलती हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी फ्री में पहुंचा देंगी। फाइनली यहां से निकल के मैं अपने घर की ओर जाऊं, उसके पहले आपको बता देना चाहता हूं प्राइसिंग। जिस लोधा के कंस्ट्रक्शन में 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए का 1 BHK शुरू होता है, मैं आपको दिला रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 1 BHK 35 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ। अलग से आपको कुछ भी पे नहीं करना है, 35 लाख रुपए में आपको 1 BHK ऐसी कंस्ट्रक्शन। अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए वो भी हमारे पास है, अगर आपको चाहिए कि मेरे को रेडी में चाहिए, रेडी में भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। डुप्लेक्स चाहिए, पेंट हाउस चाहिए, विला चाहिए, हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है। व्हाइट कॉलर बिजनेस के थ्रू आते हो, 1 रुपया भी आपको ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। व्हाइट कॉलर बिजनेस के थ्रू आते हो, 100% नेगोशिएशन आपको करा के मिलेगा, बेस्ट इन क्लास सर्विस हमेशा की तरह। बजट प्रॉपर्टी में हमेशा करता रहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोधा के अंदर भी अपनी ऑडियंस के लिए मैं बजट प्रॉपर्टी लेकर आ पाऊंगा। लास्ट में यही बोलूंगा, मैं बहुत दूर आया हूँ, लोग बोल रहे थे भाई नवी मुंबई, मुंबई से हटके अभी डोंबिवली कल्याण यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाओ, नवी मुंबई से नजदीक में बनाओ, वहां पर भी मैंने आपके लिए बनाया। तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए बस आप चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, मेरी बहुत सारी मदद हो जाएगी उससे। एनीवेज, बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करो जिनको ऐसी प्रॉपर्टी की जरूरत है। तब तक अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा बजट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।